किसानों से जुड़े बिल के विरोध के बीच केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गेहूं की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP पर 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि का ऐलान किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारी दी है। कृषि मंत्री ने रबी की 6 फसलों की नई MSP जारी की है। सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 50 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,975 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। कृषि मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि उत्पादन बाजार समिति की व्यवस्था बनी रहेगी, सरकारी खरीद होती रहेगी और इसके साथ किसान जहां चाहे अपने उत्पाद बेच सकते हैं। तोमर ने कहा कि चना का समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है। चना के समर्थन मूल्य में 225 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। इसके अलावा जौ का समर्थन मूल्य 1600 रुपए प्रति क्विंटल घोषित हुआ है और 75 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। मसूर का समर्थन मूल्य 5100 रुपए प्रति क्विंटल घोषित हुए हैं। साथ ही सरसों एवं रेपसीड का समर्थन मूल्य 4650 रुपए प्रति क्विंटल घोषित हुआ है। इसके अलावा कृषि मंत्री ने कहा कि साल 2013-14 में गेहूं की MSP 1400 रुपए थी, जो अब 2020-2021 में बढ़ाकर 1975 रुपए हो गई, यानी MSP में 41% की बढ़ोतरी हुई है। 2013-14 में धान की MSP 1310 रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़कर 1868 रुपए हो गई है। 2013-14 में मसूर की MSP 2950 रुपए थी, जो 2020-21 में बढ़कर 5100 रुपए हो गई है। वहीं साल 2013-14 में उड़द की MSP 4300 रुपए थी, जो 2020-2021 में बढ़कर 6000 रुपए हो गई। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसानों के कल्याण के लिए कार्य करना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अन्नदाताओं के हित में काम करने की हमारी प्राथमिकताओं के अनुरूप कैबिनेट ने MSP बढ़ाने का एक और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इससे करोड़ों किसानों का लाभ होगा। अधिक MSP जहां किसानों को सशक्त करेगी, वहीं उनकी आय दुगनी करने में भी मदद करेगी। कृषि सुधारों को संसद की मंजूरी के साथ बढ़ी हुई MSP से अन्नदाताओं की गरिमा और समृद्धि सुनिश्चित होगी। जय जवान। बताते चलें कि संसद में कृषि के बिल के पास होने के बाद न केवल विपक्ष सरकार पर हमला बोल रहा है, बल्कि हरियाणा और पंजाब में किसान बड़ी संख्या पर सड़कों पर उतर आए हैं। MSP के बारे में किसानों को आश्वस्त करते हुए PM मोदी ने कहा था कि मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कहता हूं, MSP की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी, हम यहां अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। फिलहाल मोदी सरकार ने रबी की फसल पर MSP बढ़ाकर किसानों को बड़ी सौगात दी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।